मार काट खूनी करो, लेकिन सत्यों का ये नहीं होता है। ध्यान दे क्या देखो, तो भगवान हो गए एक काल भगवान, एक ध्यान हो गया। काल भगवान का काम मार काट हिंसा करके सुना, और दयाल भगवान का काम बचाने का, यानी वो गुणा पापों की सजा देने वाला काल, जिनको भगवान कहते पूजा करते आते, उसने किसी को माफ नहीं किया और संतों ने किसी को सजा नहीं दिया। कितना अंतर है जमीन आसमान का। अब मैं आज से यही पूछूंगा कि तुमको कौन सा भगवान चाहिए, तुम्हारे कर्मों की सजा देने वाला चाहिए कि माफी देने वाला, तुम्हें भी क्या करना चाहिए। वो तो मार काट करके सजा, क्योंकि भगवान राम का इतिहास बता रहा, उन्होंने अपने सगे पिता दशरथ को नहीं मार दिया। अपराध क्या था? धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई, एक हत्या धोखे में। लोगों ने सिफारिश की, भगवान आपके पिताजी माफ कर दीजिए, धोखे का नहीं है, कुछ नहीं, मैंने कर्मों का विधान बनाया है, मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता हूं। उन्होंने माफ नहीं किया अपने पिता। तुम्हारा कोई रिश्ता है गांव से जो तुमको माफी मिल जाएगी? जब एक पाप हत्या का अपने पिता के द्वारा हुआ, उसको भगवान राम ने नहीं माफ किया, तुमने अपने जीवन में कितनी हत्याएं की है, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने घर पाक करके मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो, बोलो तुमको कौन सा भगवान माफ कर देगा? और माफी देने दिलाने वाले आए, तुमने उन्हीं को बुला दिया, उन्हीं को कह रहे मर के चले गए, फिर तुमको माफ कौन करेगा? अरे अपने लिए सोचो विचारो, तुमको माफी कौन देगा? प्रेमियों के वचन दे दिए, इसलिए पहले लिख के रख दिया गया संतों के बारे में, किसी जीव को कोई शंका ही पैदा न हो। तो क्या लिखा? संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जमान दस्तावेज होती है, जिसको आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रूथ, अकाश सत्य कोई नहीं कर सकता। और क्या निकाल संतों के लिए? संत लेख पर लेख मारे, मेटे अंक को अंग भाग की, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा लाभ देने की, संत महापुरुष सेवा करा के उस ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर जिसको भाग किस्मत कहते हो उसको भी मेट देती है। यह है शक्ति सामर्थ्य सदगुरु ने आ गया। आपको तो अपने मतलब की चीज पकड़ के रखनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। अरे गुनहगार अपने बचने का तरीका सोचता रहता, ढूंढता रहता, और तुमने जो गुनाह किए हैं, तुमने अपने बचनों का रास्ता बचने का ढूंढा खोजा कुछ है, और जो बचाने के लिए आया उन्हीं को भूल गए। कैसी जीव की बेचारी ये पकड़ है, कुछ नहीं समझ पाता है। कहते संत दरस सिंपातक चढ़ई, कहा कहते पापों की सजा दी भगवान ने, और संतों जी ने कहते उनका दर्शन कर लो तो पाप उतर जाते। देखिए तो भाई, संत दरस सिंपातक चढ़ई, संतों के दर्शन सहा मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। कितना बड़ा काम जो केवल अपने ही शरीर जब इससे करा रहा है, तो चेतन रूप में कितना काम कर देगा आपका, ये भी नहीं आप समझ पाए हो। ये सब तुम्हारे इसमें वह
देखो इसको भी हटाना पड़ेगा कष्ट, ये नहीं काम कर पाएगा। करते करते इसको काफी मुनाफा हो गया था, इसकी भी समझ में कुछ नहीं सत्संग आया था, सड़ा गड़ा उठा पर पटाखे लगा दिया, बस पैसे चक्कर में दौड़ रहा है। ये नहीं पता कि ये बच्चे नहीं हो पाए तो तू कितनी बड़ी सजा लेगी, ये लखों जीव आए हुए ये सब बदमाशी में, जो हुआ वो भी तोरा बिगड़ जाएगा। बार बार सब जाके कहा जा रहा यहाँ कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सब ठीक रहेगा। जब कार्यक्रम कोई मानता पहले मेरा कोई खर्च नहीं, ना मुझे कोई रुपया पैसा चाहिए, मैं किराए का कट थोड़ी हूँ, लेकिन साउंड अच्छा रखना, क्योंकि प्रेमियों के काम तक आवाज पहुंचानी हो मेरा दूसरा कोई काम नहीं। ये सब चीजें यहाँ बराबर एक को मत रखो, हमेशा जो हमेशा रहता वो व्यापारी हो गया, वो समझता मेरे सिवा इनको कोई दूसरा मेरे मेरे भी मम्मा नहीं करता, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। साउंड पहले ही एकदम ऐसा हो जो बीच में, क्योंकि तुमने तो मालूम नहीं है, ये कहानी किससे नहीं किताब से पढ़े जाते, फिर बंद कर दो फिर पढ़ दो, ये तो दया की धार आ रही ऊपर से, सदगुरु दयाल जीवों के कानों तक क्या पहुंचाना चाहते हो, तुम तो इस राज को समझते नहीं कुछ, तुम्हें तो कुछ ये मालूम नहीं है, ये सब कहां से क्या खेल हो रहा है, कैसे जीवों के लिए बचाने का प्रयास किया जा रहा है, और मतलब अभी समय से इन पर दया हो जाए का काम हो जाए, बच जाए अच्छी से, नहीं तो ये अभियान बार बार थोड़ी चलेगा। एक बार 60 साल आपको सुनाया गया, फिर उसकी की पुनरावृत्ति की जा रही है बार बार, फिर आपको कि हो सकता भूल गए तो फिर याद कर लो, लेकिन हर बार माफी थोड़ी होती है, तो एक बार भूल चुकी क्षमा हो जाती है, तो ये बड़ा मन ध्यान में रखिए आप। और 1959 का कहीं सत्संग बाबा जी का मिल जाए तो पढ़ना, कहा था कि आगे समय एक ऐसा आ जाएगा मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, फिर तुम चाह कर भी हमको नहीं पा सकोगे इतनी जल्दी, लेकिन समय पर आकर मैं अपने समस्त वादों को पूरा करूंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना, यह आपको हुक्म आदेश हुआ था और आपने कुछ नहीं माना, कुछ भी तुम्हारी समझ में नहीं आया, क्योंकि जीव के बस की बात नहीं है, या बात तो भक्त बर्दाश्त करे या भगवान बर्दाश्त करे, किसी योग को तो बर्दाश्त कर नहीं पा, लेकिन कलयुग का जीव इतना कमजोर कि हमारे आपके बस की बात नहीं थी, जो ये समय काल की मार को तुम झेल देते, तो सतगुरु दयाल ने सब अपने ऊपर ले लिया और तुमको सुरक्षित रखा, तुम्हारे पर आचाने नहीं दिया है, यही जीव जीव पर दयाल की दया का प्रमाण है। नहीं 1980 में वैज्ञानिकों ने घोषणा किया था, कहा था ये दुनिया आज आधी रह जाएगी, बड़ा खराब समय आएगा, महीना दिसंबर का तारीख 12 भी निश्चित कर दिया है, वैज्ञानिकों ने चारों तरफ घोषणा कर दिया, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने भी भविष्यवाणी किया था, लेकिन समर्थ गुरु ने 1980 में जो लोग मथुरा गए होंगे होली के कार्यक्रम में, बाबा जी ने मन से कहा था कि बच्चा मैंने नवग्रह टाल दिया, वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि ये नवग्रह एक लाइन में जब जब हुए हैं विप्लव हो गया, विनाश हो गया, जब त्रेता में एक लाइन में हुए तो राम रावण संग्रह हो गया, द्वापर में ये नवग्रह एक लाइन हुए तो महाभारत हो गया,
और काम कलयुग में एक लाइन में होने वाले। लेकिन समर्थ गुरु ने क्या कहा? कहा नहीं, मैंने 9 शादियां कह करके नवग्रह को टाल दिया। जो सांसारिक रीत रिवाज थी, कुदरत के भारी यानी मतलब विपलों को रोक सकता है, जिसको रामकृष्ण नहीं रोक पाए, आखिरकार उनको रावण से युद्ध करना पड़ा और मानव यानी महाभारत में खून खूनी क्रांति करनी ही पड़ी, वो भी नहीं रोक पाए। लेकिन सदगुरु दयाल ने क्या कहा था कि मैंने नवग्रह को टाल दिया और कहा है भविष्य बताओ, तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना, यह परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा, तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को वहीं पर रुकवा दिया जाएगा। बाबा जी ने आज तक किसी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को सिद्ध होने नहीं दिया है, आज भी वहीं पर रुके हुए हैं। कहा जो परिवर्तन करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तो मैं भी नहीं समझ पाएगा कि नवग्रह को कौन टाल सकता है। जो अन्य युगों का इतिहास बना, नवग्रह का ही इतिहास है विनाशकारी। लेकिन समय के सदगुरु दयाल ने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, और जो काम करने आया है अपने अनुसार करेगा। ये सबके आइडिया अंदाज है उनका है कि समय खराब ऐसा भी हो सकता है, और यहाँ तक कि महात्मा सूरदास की भविष्यवाणी को नहीं होने दिया। महात्मा सूरदास जी ने आगाह किया था, लेकिन यह कहा था मैं उस कुदरत के भारी प्रकोप को रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन बता सकता हूँ और रोकने वाले का इशारा भी कर सकता हूँ। तो महात्मा सूरदास की भविष्यवाणी पढ़ लेते तो तुमको अपने समर्थ गुरु की पहचान मिल जाती। क्या कहा? रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमा ही व्यापे, प्रजा बहुत मरी। और ये भी कह रहे हैं कि सूरदास जी सहस वर्ष लग सतयुग व्यापे, उन्होंने भी कहा हजारों वर्ष के लिए सतयुग लगेगा, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी भूले और धर्म की बेल बढ़े। लेकिन ये कहा था सूरदास हरि की ये लीला कर रहे, इसको कोई टाल नहीं सकता है। फिर कह रहे हैं कि बचेंगे कौन, तो क्या कह रहे हैं, काल जाल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे, रे मंदिर क्यों न रहे। सब बता दिया पूरा परिणाम, और वो भी सब रहा आपके सामने। लेकिन सतयुग के लिए भी कहा कब, जब एकदम विनाशकारी लीला हो जाएगी। पहले तो समझाया बुझाया जाएगा, नहीं मानेंगे तो कुदरत कहा अपने एक डंडे में 200 करोड़ का वारा नेरा कर दिया, बहुत थोड़े लोग बचेंगे सतयुग की वजह। यह सब इशारा सबके हैं, लेकिन जो परिवर्तन करने आया है वो इन इशारों पर नहीं मान रहा, कारण नहीं भूमिका अपने अनुसार बनाई जाएगी। वो समय की स्थित परिस्थिति को देखकर कि समय किसकी जरूरत है और कैसे काम होगा, वो सब तुम्हारे सामने आके खड़ा होगा। देखो एक एक चीज आपके सामने है, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब पिछला इतिहास, अगर उसी को आप पढ़ लेते तो आज अपने वर्तमान समय को तुम खराब नहीं करते, शंका में नहीं जाते, तुम अपना काम कर लेते। कहने का मतलब न तुमने भूत को जाना न वर्तमान में इनकी मानो, इसलिए हमारा सबका भविष्य अंधकार में खड़ा है, इसको प्रकाश में ज्ञान में सत्य में कौन लाएगा, यही तो आपको विचार करना चाहिए। यह सब पहले से पहले लिख कर रख दिया गया, किसी को किसी तरह कोई शंका ही ना हो। बाबा जी ने ऐसे वादे किए
जो इस सृष्टि में किसी ने किया ही नहीं, अरे उन्हीं से आपको समझ लेना चाहिए। उनका पहला वादा है हम सब जीवात्मों के लिए, क्या था? देखो एक एक वचन को बड़ी सावधानी से सुनिए आप, आगे यह सब तुम्हारे काम आने वाला है। अगर यही वचन तुम्हारे पास होते तो तुम शंका में कैसे चले जाते? कोई नहीं ले जाता तुमको। तो पहला वचन अपना परिचय दिया है, जब इंसान से कोई तुम शंका करते हो तो उससे परिचय पूछते, परिचय मिल जाने पर शंका की सब हो जाती है। तो गुरु हमारे आपकी शंका के लिए परिचय भी दे रहे कि मैं किस धाम से आया हूँ, कौन सा नाम के लेके आया, कौन सा काम करने आया, तीनों परिचय। जब तीनों परिचय आपको दे दिए फिर तुमको कैसा शंका होगा? कहा था बच्चा शंका मत करो, मैं राम कृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा, न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सत्यलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की यह सारी सुरते रूहे जीवात्माएं ये रहने वाली है, जो आज ये मृत्यु लोक मंडल में मनु शरीर में रहती है। मैं इनके वास्ते इनको लेने के लिए आया। देखो कितना स्पष्ट परिचय, तुमको ये शंका कैसे हो गई? क्या जहाँ तुम भटके गए उनमें से कोई ले जाने वाला है? कोई जीवात्मा बारे वो अपने ही काम कर दे, तुम्हारा काम से कर देगा। तुम्हें यह सब विचार करके रखना चाहिए था। तो आपने प्रचार भी किया कि हमारे गुरु जी बीच के लोग से नहीं आए हैं, क्योंकि गुरु जी ने बताया है कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। जब काम भी बता दिया, धाम भी बता दिया, नाम भी बता दिया, तब फिर आपको शंका क्या रह गई इसमें? और कहा तुम सबको घर पहुंचाना, तो क्या सब लोग पहुंच गए? क्या सबकी जीवात पहुंचे? कभी तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी शुरुआत भी नहीं हुई। और लोभी लालचियों ने अपने लोभ लालच स्वार्थ के लिए झूठा प्रचार कर दिया हिंदुस्तान में कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। इनको यह भी नहीं काम तो कुछ हुए नहीं, और जो काम कहा ये कोई इंसान कर सकता नहीं, किसी की तो उसकी बात ही नहीं है। तो तुम्हें तो इन बच्चों को पकड़ के रखना चाहिए था कि जब तक एक एक वचन पूरा नहीं हो जाए मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। आपको ये सब पकड़ के रखना चाहिए था, तो लेकिन कुछ नहीं कहा। तुम गुरु कह रहे हैं तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम, और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। तो उनसे पूछो इन जीवात्मों को कौन पहुंचाएगा, इनको कौन ले जाएगा, किसके पास नाम जहाज है जो बैठा के ले जाएगा? आपके अंदर जरा सी अगर जिज्ञासा पैदा हो जाए तो इन सबको बोलना बंद हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। अरे झूठ की कितनी बात हो। तो देखा कि कलयुग का जीव है, शायद मेरे एक वचन वादे को न समझ पाया, तो गुरु ने हमदर्दी में आके दूसरा वचन क्या कहा कि भल चाहो तो चेतो, आय लगा दी नाव और बहुरी बहुरी पछताओगे फिर ना ऐसो जाओ। एकदम खुलासा कि ये जीवात्मा अगर तुम अपना भला चाहती हो, मैंने भवसागर पार करने के लिए तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए मैंने नाम की नौका लगा दी, तुम विश्वास के साथ इस पर भर जाओ अपने घर की तरफ चल पाए। इसमें तुम्हें करना ही क्या था, केवल भजना था वो भी नहीं कर पाए। इससे सरल युक्ति जीवात्माओं के लिए और कौन सी हो सकती है?
और भविष्य के लिए भी कह रहे हैं कि फिर ना ऐसे दो दो हमारे अवसर चांस मौका, फिर तुम्हारे लिए स्त्री इस तरह हमदर्दी का लेके कोई नहीं आएगा, ऐसे गुरु मिले नहीं कबहू, फिर ऐसा गुरु धरती पर कभी नहीं आएगा। फिर भी तुम्हारी समझ नहीं आया, जब कभी आएगा नहीं तो काम कौन करेगा। तुमको अपने काम की अंदर में जिज्ञासा होनी चाहिए थी, लेकिन तुम कुछ समझ ही नहीं पाए। केवल मथुरा में जाते रहे, मथुरा में लगा था मेला, मेला में बन गए चेला, आज मेला खत्म चेला खत्म, कोई चेला गुरु का दिखाई देगा? चेलों के चेले गुरु का चेला कौन थे? नामदान गुरु ने दिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया, और चले कहाँ गए हो? या कुछ नहीं, अरे जिनके पास गए वो भी तो चेला इसी गुरु का, जब गुरु नहीं कर पाया वो चेला कहाँ भी कर देगा? तभी तो तुम्हें विचार करना चाहिए था। लेकिन तुम्हारे पर भी काल का पूरा पहला, वो कुछ समझने ही सोचने नहीं देगा तुमको, तुम करोगे कैसे? प्रेमियों गुरु ने देखा कलयुग का जीव अल्पायु अल्पज्ञ भोगी विलासी है, साथ मेरे दो वादे को न समझ पाया हो, तो हमदर्दी में आके गुरु ने तीसरा वादा किया हमारे यहाँ। क्या कहा? कि भव सागर भरवो नहीं ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पर। इसमें तुम्हारे लिए रह क्या गया था? तुम्हें अपने घर ही तो जाना था, लेकिन जीव भजन करके जा पाता और सदगुरु ने कहा कुछ नहीं, भजन भी नहीं, ना हाथ बंद करना, ना कान बंद करना, ना माला घुमानी, तुम्हें यह कुछ नहीं करना, केवल मेरे मेरे बच्चे